दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन पीसी गेमर चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को दबा दे ताकि इस चैनल का हर वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 3 कैबिनेट, वो भी 7000 रुपए के अंदर। अगर आपको 7000 रुपए के अंदर बेस्ट गुड लुकिंग कैबिनेट अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को फर्स्ट लॉग तक देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, हर बार की तरह स्वागत करता हूं आपको इस चैनल कैप्टन पीसी गवर्न में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 पे मैंने जो कैबिनेट को चूज किया है वो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से है। दोस्तों एंटी स्पोर्ट्स का ये जो कैबिनेट है ये एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। चलिए जान लेते हैं इसका प्राइस। इसका प्राइस यहाँ पर किया गया है 4349 रुपीस। अभी चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मदरबोर्ड सपोर्टेड होगा। तो इसके अंदर EATX, ATX, माइक्रो ATX, ITX मदरबोर्ड जो है इसके अंदर सपोर्टेड हो जाएगा, यानी कि आपको मदरबोर्ड को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने का कोई जरूरत है नहीं। अभी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर RGB की और फैंस की। तो दोस्तों सामने आपको कोई भी एक्स्ट्रा RGB देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है फ्रंट पे आपको तीनों जो है 120mm करके तीन जो है आपको RGB फैन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपका कैबिनेट पे RGB का काम करेगा। अभी दोस्तों ये तो आ गया फ्रंट पे, अभी बैक साइड पे जो है आपको 120mm का जो है और एक RGB फैन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ऊपर साइड की। दोस्तों अगर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग करना होगा तो आपको जो ऊपर साइड पे आप एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए फैन जो है आप खुद से जो है लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको 120mm का ट्रू फैन आपको लेना होगा ताकि आप जो है ऊपर लगा सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर कितना फैन आएगा। दोस्तों इसके साथ आपको जो है 4 फैन देखने को मिल जाएगा, सामने 3 और पीछे का एक जो है कैबिनेट देखने को आपको मिल जाता है। अभी दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके छोटे छोटे और भी स्पेक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक पावर स्विच मिलता है, रीसेट स्विच मिलता है, LED कंट्रोल स्विच मिलता है, USB 3.0, USB 2.0 और 2 माइक्रोफोन, हेडफोन और जो है एक उसके साथ ही एंटी डस्ट फिल्टर भी इसके साथ आ जाता है। तो दोस्तों ये जो एक कैबिनेट है ये एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट है अगर आप लेते हैं। दोस्तों ये जो लुकिंग है बहुत ही अच्छा लुकिंग है, सामने आपको एक्स्ट्रा कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कोई RGB देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो फैन किया गया है, फैन का डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि मतलब फैन के साथ ही कूलिंग भी हो जाए और RGB का भी काम हो जाए। तो मेरे तरफ से ये जो कैबिनेट है ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों नंबर 2 पे मैंने जो यहाँ पर कैबिनेट को चूज किया है वो MSI की तरफ से है। MSI का ये जो कैबिनेट है इसका पूरा नाम यहाँ पर किया गया है MSI Mark IV। अभी दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसका प्राइस। इसका प्राइस यहाँ पर किया गया है 5999 रुपये, यानी कि 5999 रुपीस। अभी दोस्तों चलिए इसके अंदर बात कर लेते हैं इसके अंदर सपोर्टेड कैबिनेट मदरबोर्ड के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ATX मदरबोर्ड, MATX और मिनी ITX मदरबोर्ड का सपोर्टेड जो इसके अंदर आपको हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको एक पावर स्विच, रीसेट स्विच, 2 USB 3.2 और एक USB 2.0 और एक जो है दोस्तों यहाँ पर HD ऑडियो के जो है पोर्ट 1 और माइक के पोर्ट 1 जो है इसके साथ आपको मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों अब बात करते हैं इसका RGB और लुकिंग के बारे में। दोस्तों सामने की तरफ से जो है आपको जो है 2 यहाँ पर 120mm का 2 फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका सामने में यानी कि फ्रंट पे RGB का काम करेगा, लाइटिंग का काम करेगा। और दोस्तों आपको बैक साइड पे जो है आपको एक नॉर्मल जो है एक 120mm का फैन देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर आपको RGB देखने को नहीं मिलेगा। सामने की तरफ से जो 2 दिया गया है उसके अंदर ही जो है आप यहाँ पर कलर को जो है आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ऊपर के साइड पे अगर आप कूलिंग और भी ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर अगर आप कूलिंग के लिए भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर जो है आपको जो है स्पेस दिया गया है। उसके अंदर आप जो है 2 120mm का जो है फैन एक्स्ट्रा अगर आप लगाना चाहते हैं RGB के लिए या फिर कूलिंग के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी जो है आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे मैंने जो यहाँ पर कैबिनेट को चूज़ किया है वो NZXT की तरफ से है। NZXT का ये जो कैबिनेट है इसका पूरा नाम है NZXT H510। ये दोस्तों एक मिड टावर कैबिनेट है। अभी चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके अंदर सपोर्टेड की। इसके अंदर ITX, माइक्रो ATX और जो है ATX कैबिनेट इसके मदरबोर्ड जो है इसके अंदर सपोर्टेड हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कूलिंग के लिए फैंस की। तो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूडिंग जो है 2 फैन जो आपको देखने को मिलेगा। एक तो फैन ऊपर के साइड पर लगा हुआ होगा जो कि ब्लैक
एंड वाइट होगा। 120mm का एक फैन ऊपर के साइड पे दिया गया है जिसके अंदर कोई भी RGB आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बैक साइड पे देखो, बैक साइड पे भी जो है 120mm का एक फैन लगा हुआ दिखेगा, उसके अंदर भी जो है कोई भी आपको एक्स्ट्रा RGB देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों ये जो कैबिनेट है इसके लुकिंग के बारे में। दोस्तों इसके अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा कोई भी RGB देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पर्सनली खुद से अगर आप चेंज करके कोई फ़ैन वगैरह लगाना चाहते हो कूलिंग के लिए और RGB के लिए तब वो बन सकता है, लेकिन इसके साथ जो है इंक्लूडिंग कोई भी RGB आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं और भी चीज़ की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो है एक पावर स्विच, एक जो है टाइप सी कॉर्ड, एक USB कॉर्ड और ऑडियो का कॉर्ड जो इसके अंदर दोस्तों किया गया है। दोस्तों ये जो कैबिनेट है थोड़ा महंगा कैबिनेट है और मतलब हिसाब से देखा जाए तो उतना कुछ उसकी इसके अंदर जो RGB वगैरह नहीं है। इसके अंदर दोस्तों फीचर्स भी बहुत अच्छा है, कलर भी जो है दोस्तों बहुत है। अगर आप लेना चाहते हो वाइट भी अवेलेबल है, रेड भी अवेलेबल है और जो है ब्लैक कलर भी जो इसके अंदर अवेलेबल है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर केबल मैनेजमेंट की, दोस्तों इसके अंदर आप जो है बहुत ही खूबसूरत केबल मैनेजमेंट जो दोस्तों कर सकते हो। अगर इसके अंदर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास की, तो एक साइड पर आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा। तो दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो टेम्पर्ड ग्लास को एक्स्ट्रा वगैरह वो खुल खुल के जो वो करना पड़ता है, तो इसके अंदर वैसा नहीं है। इसके अंदर जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होगा तो टेम्पर्ड ग्लास को आप जो है ओपन एंड क्लोज जो है आप आराम से जो है वो कर सकते हैं। अभी दोस्तों चलिए ये तो था बात, अभी जो है जाने से पहले छोटा सा ट्रिक्स मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर आपको जो ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहता है तो ये प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैं बोल रहा था एक ट्रिक्स के बारे में, दोस्तों दिवाली बहुत ही जल्दी आने वाला है, 17 तारीख से जो है वो सेल शुरू हो रहा है। तो 17 तारीख से बाद जो है दोस्तों अगर आप ये सब कैबिनेट अगर खरीदने के लिए सोच ही रहे तो यार दोस्तों ये तो टाइम तो हो ही गया है, तो थोड़ी देर रुक जाके जो है 17 तारीख को आप वो है जी ये सब जो कैबिनेट जो है वो आप ले सकते हो। ये क्या होगा दोस्तों कि अगर आप उस टाइम पे लेते हो तो दोस्तों जो आपको जो और भी ज़्यादा जो है डिस्काउंट पे आपको जो ये सब कैबिनेट दोस्तों मिल जाएगा। अभी ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे लेते हो, तो ये तो आपके ऊपर है। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक कॉमेंट शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।